हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ RPIIT अकेडमी। आई एम शामली, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPIIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिस्तारा करना। टुडे इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट्स, इट्स पार्ट्स, इट्स टाइप एंड हाउ टू फॉर्मुलेट एंड द गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। So nursing diagnosis is the collection of data by observing, observation method, by interaction and the measurement and the interpretation of the data which is based upon the nurse experiences and her knowledge. So what it is? So nursing diagnosis क्या है? एक collection of data है by जिसके थ्रू हमने data collect किए in the nursing phase, assessment phase we collect the data. So ये क्या है? Collection data by observation में हमने data collect कर लिया, या patient के साथ interact करके, उसके साथ interview method करके हमने कर लिया, या measuring by जो भी हमने lab test थे उनके through हमने क्या कर लिया, measure कर लिया इस data को, एंड देन वी इंटरप्रेट। सो जो भी इंटरप्रेट किया जा रहा है पेशेंट का स्टेटस क्या या क्लाइंट हेल्थ, दैट विल डिपेंड अपॉन द नर्सिस को कितना नॉलेज है एंड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर इट विल वेरी। ठीक है, सो कंप्लीट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। सो फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस। क्या है कि बोला, डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट है दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस वेयर इन द नर्स क्रिएट द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। वहाँ पे क्या करती है, नर्स अपनी डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट किया जाती है करती है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फैक्टर विच आर एसोसिएटेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, सो क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या कर रही है, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को बता रही है और कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है विच इज एसोसिएटेड विद द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, उसके इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कर रही है। क्लियर, सो हियर द पार्ट ऑफ जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस के पार्ट्स होते हैं जिसको एक फॉर्मेट दिया गया है, दैट इज PES विच इज डेवलप्ड बाय द नंदा। तो नंदा ने क्या किया गया था, एक फॉर्मेट दिया गया था फॉर द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इज PES। सो दैट पी स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मीन्स डायग्नोस्टिक लेबल और द डेफिनेशन वी कैन से। नेक्स्ट ई स्टैंड फॉर द इटियोलॉजी एंड सम रिलेटेड फैक्टर्स, मीन्स कॉज क्या है उसका। क्लियर, एंड द एस दैट इज अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से एस यू कैन ऑल्सो रिकोगनाइज और रिमेंबर इट विद द साइन एंड सिम्टम। पी फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, E for the etiology and S for the signs and symptoms. Clear? So what the problem statement say? The problem statement explain the patient current health problem. The patient ki problem kya hai, uska current problem kya hai and the nursing intervention needed to the care of that patient. Ki agar hume patient ki problem ka pata chal jata hai, to hum us accordingly we can plan or we can provide an intervention care jo hai wo patient ko provide kar sakte hai. Ki usko kaun kaun si intervention ki need hai. If the patient having a respiratory problem, then we knows that the breathing pattern is altered. Now what we do? We administer the oxygen, we change his position to the supine to the semi-follower or the follower position. So us accordingly hum kya kar rahe hain, intervention patient ko provide kar denge, hai na? So for example, acute chest pain, ineffective breathing pattern, imbalanced nutrition, impaired skin. So agar hume idhar se problem pata chal jati hai, then the nursing intervention needed for jo bhi care hai, that will be provided to the patients. Next is the etiology or the related factor. So etiology identifies one or more possible jo probable causes jo hote hain jo bhi health condition ke, like kya karan reh chuke hain iske, to wo hum kya karenge isme चेक करेंगे। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसके कारण क्या रह चुके हैं, हम वो चीज़ उसके एक्सपोजर, लाइक पेशेंट हैविंग एलर्जेंस, तो हम उसके एलर्जेंस को वो चीज़ें एक्सपोज नहीं करेंगे पेशेंट को। सो आइडेंटिफाई वन और मोर जो भी प्रॉबेबल कॉजेज है हेल्थ कंडीशंस के, हेल्थ और द कंडीशन इन विच इट डेवलप, सो उसको आइडेंटिफाई करने में, एंड दीज रिलेटेड फैक्टर्स गाइड द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। थ्रू दैट इट हेल्प्स द नर्स
for the to get appropriate to provide a appropriate nursing intervention to the client. So it gives the direction to the required nursing therapy and enables the nurse to individualize the client care. ठीक है, so इसके through etiology हर किसी का different pose होएगा, तो वो क्या करता है, nurse को help करता है to provide individualized care to the patients. ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स. सो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मीन फाइनली द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स आर द साइन एंड सिम्टम्स दैट अलो फॉर अप्लाइंग अ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक लेवल. ठीक है, तो जो भी सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, उसको रिस्क फैक्टर आर यूज इन प्लेस ऑफ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फॉर द के नर्सिंग कोर्स नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करने में एंड दे रेफर टू द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द पेशेंट वल्नरेबिलिटी टू द हेल्थ problems. So this is all about the parts of the nursing diagnosis: problem, etiology, and the sign and symptom. Thank you for watching it. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel RPIT Academy. I hope you all are doing well. I Shamini, working as assistant professor in RPIMS College of Nursing Bistara Karnal. Today in this video I'll discuss about the topic that is the difference between a medical and nursing diagnosis. So the nursing diagnosis is mainly based upon the care focused, and the medical diagnosis is mainly etiological focus. So what the care focus mean? The care कि हम जो भी है, जो भी nursing diagnosis but make जो भी हमने implement किए हैं या बनाए हैं nursing diagnosis, that is particularly क्या है कि हमने patient को care provide करनी होती है, उसके ऊपर it will be based कि हम patient को क्या care दे सकते हैं. अगर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस दिए, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्लान एंड दैट प्लानिंग वी इंटरवेंट एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर टू द पेशेंट. बट ऑन द अदर हैंड द मेडिकल डायग्नोसिस विच इज इटियोलॉजी फोकस्ड, कि इटियोलॉजी फोकस अगर जो प्रॉब्लम हुई है उसका कारण क्या है उसको देखा जाता है. अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, बट विल बी द इटियोलॉजी बिहाइंड इट, हाउ द ट्यूबरक्लोसिस विल डेवलप, तो वो क्या है जो मेडिकल डायग्नोसिस है, दैट इज़ बेस्ड मेनली फोकस्ड ऑन द इटियोलॉजी. इन द नर्सिंग डायग्नोसिस द नर्स आइडेंटिफाई द रिस्क एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट्स. ठीक है, तो जब केयर प्रोवाइड कर रही है ड्यूरिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस, शिप में द डायग्नोसिस और प्लान कर रही है पेशेंट को केयर प्लान, तो वो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी इज देयर एनी रिस्क. पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम जो भी रिस्क है या प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई कर रही है. बट ऑन द अदर हैंड मेडिकल डायग्नोसिस आइडेंटिफाई एज नियरली पॉसिबल द स्पेसिफिक क्लिनिकल एंटिटी दैट कॉजिंग द इलनेस. तो वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी पॉसिबल स्पेसिफिक कोई क्लिनिकल ऐसी चीज़ें हैं जो इलनेस या बीमारी डिजीज कॉज कर रही है, उसको असेस करने में मेडिकल डायग्नोसिस करता है. नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस इज फोकस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम ऑन द पेशेंट. जो भी साइन एंड सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट है हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं फोकस्ड एंड हिज हर जो भी केयर गिवर्स है. बट ऑन द अदर हैंड द मेडिकल डायग्नोसिस स्पेसिफाई द पैथोलॉजी, उसकी जो भी पैथोलॉजी है, पैथोजेंस हैं, केस स्टडी है, उसके बारे में मेडिकल डायग्नोसिस स्पेसिफाई करता है कि डीप या अदर अगर हुआ है सिम्टम्स ये आ रहे हैं तो हमारे लंग्स पे सेल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है. नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस फोकस्ड ऑन द पर्सन एंड देयर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ऑल रिस्पॉन्सेज ऑफ इलनेस. तो पेशेंट की उसकी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं बॉडी के, उसके ऊपर फोकस करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है अपनी इलनेस पे. ठीक है, और मेडिकल डायग्नोसिस सिर्फ उसकी इलनेस पे फोकस करता है, क्योंकि जब नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है पेशेंट एजिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ा हो जाता है, टेंशन होती है उसको, तो वो उस
accordingly we patient ko care provide kar diya. But the medical diagnosis that is mainly focused on the illness of the patient. Nursing diagnosis example kiya like ineffective denial related to difficulty coping with the new diagnosis of heart attack. तो वो क्या है, डिनाइल कर रहा है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि जो उसका न्यू डायग्नोस हो गया हार्ट अटैक का, उसके साथ वो पॉपअप नहीं कर पा रहा है. पर मेडिकल डायग्नोस ने क्या किया, ही इज डायग्नोस दैट द पर्सन हैविंग अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अ हार्ट अटैक्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल डायग्नोसिस एंड द नर्सिंग डायग्नोसिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.